अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राघव। आप लोगों को पता है कि हमने प्रोटीन वाला सेक्शन शुरू किया है जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, अमीनो एसिड्स पढ़े और अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, और उसके साथ ही हमने फाइब्रस प्रोटीन पढ़ी थी। ये हमारा था, आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रोटीन के सेक्शन में से, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मीन्स ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनका एक्सियल रेशो लेस देन 10 होता है, और हमने पढ़ा था कि एक्सियल रेशो जो होता है वो मॉलिक्यूलर लेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर विड्थ होती है। और हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का जो एक्सियल रेशो होता है वो 3 और 4 के बीच में होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास एक राउंडेड शेप्ड प्रोटीन्स होंगी, सर्कुलर शेप्ड प्रोटीन्स होंगी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर हमने हीम प्रोटीन पढ़नी है, और हीम प्रोटीन में भी पर्टिकुलरली हमने हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन पढ़नी है। हीम प्रोटीन हमारे पास वो प्रोटीन होती है जो कि आपकी प्रोटीनियस पार्ट पर भी कंसिस्ट की हुई होती है और नॉन प्रोटीनियस पार्ट पर भी कंसिस्ट की हुई होती है। अगेन प्रोटीनियस पार्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, अमीनो एसिड्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे हुए होंगे, और इस तरह से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। प्रोटीनियस पार्ट हो गया। नाउ द हीम पार्ट, हीम पार्ट हमारे पास वो पार्ट होगा जो कि आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा। ये हीम पार्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे हम क्लासिफिकेशन में देख कर आए थे, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, लिपिड हो सकती है, गुड मेटल हो सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो हीम पार्ट है इसको हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि हीम पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हीम प्रोटीन्स आर द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, यानी हीम प्रोटीन के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स आती हैं। अभी हम नीचे देखेंगे भी कि कौन सी प्रोटीन्स आती हैं। ये वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर जो नॉन आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है या जो प्रोस्थेटिक पार्ट होता है वो हीम ग्रुप होता है, एंड इट इज़ टाइटली बाउंड टू द प्रोटीनियस पार्ट। तो फिर हमने क्या कहा कि हीम प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स होंगी, वो प्रोटीन्स होंगी जो कि आपकी प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट पे कंसिस्ट की हुई होंगी, एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट इन द हीम प्रोटीन्स विल बी द हीम ग्रुप विच इज़ टाइटली बाउंड। अब ये डिफरेंट हीम प्रोटीन्स के अंदर हीम ग्रुप का जो है वो डिफरेंट रोल होगा, एंड दैट रोल विल बी डिक्टेटेड बाय द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। फॉर एग्जांपल द हीम ग्रुप ऑफ अ साइटोक्रोम फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज ऑल्टरनेटली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। इसमें हमने क्या पढ़ा, हम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले चैप्टर के अंदर पढ़कर आए थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कैरियर्स होते हैं उनको हम साइटोक्रोम्स बोलते हैं। ये साइटोक्रोम्स प्रोटीन्स होती हैं, और इनका जो हीम ग्रुप होता है ये हीम ग्रुप स्पेशलाइज्ड होगा फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इसी तरह से जो हीम ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटालेज होगा, ये एंजाइम कैटालेज बेसिकली आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व होता है, उसकी कैटालिसिस कराता है। सो दिस एंजाइम कैटालेज इज़ ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ अ हीम ग्रुप या हीम पार्ट, और ये जो हीम पार्ट होगा ये स्पेशलाइज्ड होगा फॉर द कैटालिसिस ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड। On the other hand, the heme group of hemoglobin and the myoglobin serve as binding site of oxygen and release of oxygen. यानी oxygen जो oxygen bind करेगी और oxygen का release करना है वो heme group करेगा in hemoglobin and myoglobin. तो फिर इस slide के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो heme proteins होती हैं उनका हीम ग्रुप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम के अंदर का जो हीम ग्रुप है वो स्पेशलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए, कैटालेज एंजाइम का जो हीम ग्रुप है वो स्पेशलाइज्ड है फॉर कैटालिसिस, एंड हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के जो हीम ग्रुप हैं वो सर्व करते हैं टू रिवर्सिबली बाइंड ऑक्सीजन। रिवर्सिबली बाइंड ऑक्सीजन का मतलब है कि दे हैव द एबिलिटी टू रिलीज द ऑक्सीजन एंड बाइंड द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बाइंड होगी वो टाइटली बाउंड नहीं होगी, एट सम टाइम ये आफ्टर सम टाइम ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी इन टू द टिश्यूज़। इस तरह से ये रिवर्सिबली बाइंड ऑक्सीजन के तौर पर काम करता है हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। अब हम इस हीम का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि इस हीम का स्ट्रक्चर क्या है।
हीम का स्ट्रक्चर जो है ये एक प्रोटोपोरफायरिन नाइन और फेरसाइन से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है. दिस इज़ द होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोपोरफायरिन रिंग नाइन. ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो है ये फोर आपके पायरोल रिंग्स से मिलकर बनी हुई होती हैं. ये फोर पायरोल रिंग्स आर फाइव कॉर्नर्ड रिंग कंटेनिंग द नाइट्रोजन. और इस रिंग के सेंटर में हमारे पास एक आयरन ग्रुप लगा हुआ होता है इन प्लस टू स्टेट, वैलेंसी उसकी प्लस टू स्टेट. ये जो अब पायरोल रिंग के नाइट्रोजन्स हैं ये कनेक्टेड होंगे बाय द अल्फा मिथाइलिन ब्रिजेस. ठीक है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड हैं वो अल्फा मिथाइलिन ब्रिजेस होंगे. और ये जो पायरोल रिंग्स हैं ये कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ आयरन नाइट्रोजन के बॉन्ड्स के थ्रू. ठीक है, यानी पायरोल रिंग का नाइट्रोजन जो है वो बाइंड बनाएगा विद द आयरन इन द सेंटर ऑफ द रिंग. इस तरह से आयरन चार नाइट्रोजन्स ऑफ द पायरोल रिंग के साथ बॉन्ड बनाता है. इन बॉन्ड्स के अलावा आयरन मॉलिक्यूल जो है ये दो प्लैनर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, प्लेन के अंदर दो बॉन्ड्स बनाएगा. यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आयरन जो है वो सेंटर ऑफ द हीम मॉलिक्यूल में होता है और ये चार बॉन्ड बनाता है विद द नाइट्रोजन ऑफ द पोरफायरिन रिंग्स. ठीक है, या पायरोल रिंग्स. द हीम एफ ई प्लस टू कैन फॉर्म टू एडिशनल बॉन्ड्स वन ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेनर पोरफायरिन रिंग. यानी एक इसके ऊपर बनेगा और एक इसके नीचे बनेगा, इस आयरन के ऊपर बनेगा और एक इस आयरन के नीचे बनेगा. अब हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में ये जो प्लैनर दो बॉन्ड्स हैं इनमें से एक जो है वो बॉन्ड बनेगा विद द हिस्टिडिन रेजिड्यू ऑफ द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. यानी ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट था जितना अब तक हमने पढ़ा, ये प्रोटीन के साथ भी तो बाइंड करेगा ना, तो प्रोटीन के किसी भी चेन में एक हिस्टिडिन रेजिड्यू के साथ ये कंबाइन करेगा यानी बॉन्ड बनाएगा. इस तरह से ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट प्रोटीनियस पार्ट से जुड़ा हुआ होगा. और जो दूसरा प्लैनर बॉन्ड है वो अवेलेबिलिटी शो करेगा या वो अवेलेबल होगा टू बाइंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो आयरन जो है वो सिक्स बॉन्ड्स बना रहा है, चार नाइट्रोजन ऑफ द रिंग्स के साथ और एक जो है वो आपकी जो प्रोटीन पार्ट की हिस्टिडिन रेजिड्यू होगी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा. और दूसरा बॉन्ड दूसरा प्लैनर बॉन्ड जो है वो अवेलेबल होगा टू बाइंड द ऑक्सीजन. प्रोटीन विद द मेटल कंटेनिंग टेट्रापायरोल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इंक्लूड. अब वो बता रहे हैं कि दूसरी प्रोटीन्स ह्यूमंस के अंदर जो कि मेटल कंटेनिंग टेट्रापायरोल प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगेन इसी तरह से सारा स्ट्रक्चर होगा. इट विल बी साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल ह्यूमन प्लांट के अंदर. बट सारा स्ट्रक्चर इन दोनों साइटोक्रोम्स में एंड क्लोरोफिल में सेम होगा, टेट्रापायरोल रिंग होगी. सिर्फ मेटल का डिफरेंस होगा कि सेंटर में जो मेटल है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के केस में वो आयरन हो जाएगी, साइटोक्रोम के केस में आयरन एंड कॉपर हो जाएगा और क्लोरोफिल के केस में वो मैग्नीशियम हो जाएगी. बाकी टेट्रापायरोल रिंग होगी जो कि आपके प्रोटीनियस पार्ट के साथ जुड़ी हुई होगी. अब हम मायोग्लोबिन की बात करते हैं. हम मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझेंगे और वही स्ट्रक्चर जो है वो हीमोग्लोबिन का है, लेकिन वहाँ पे चार पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएंगी. तो पहले हम मायोग्लोबिन का पढ़ लेते हैं कि मायोग्लोबिन वो हीम प्रोटीन है. अगेन उसी तरह से ये हमारे पास क्या है, एक हीम प्रोटीन है जिसके अंदर एक हीम ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर काम करता है, यानी नॉन प्रोटीनियस पार्ट और एक प्रोटीनियस पार्ट है. नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है वो हमारे पास पोरफायरिन रिंग नाइन और आयरन उसके सेंटर में है. ये मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट के टिश्यूज़ के अंदर पड़ी हुई होती है और ये ना सिर्फ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है बल्कि ये ऑक्सीजन की स्टोरेज का काम भी करती है. मायोग्लोबिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्ट किए हुए होती है विद द 153 अमाइनो एसिड्स. यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ जो है वो कितनी होती है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, 153 अमाइनो एसिड्स. Structurally similar to the individual polypeptide chains of the tetrameric hemoglobin molecule. हमने कहा कि hemoglobin and myoglobin का structure same होता है. अभी हमने बात की कि myoglobin जो है वो एक polypeptide chain पर consist किए हुए होती है with the 153 amino acids. इसी तरह से जो आपकी hemoglobin molecule है वो भी
तकरीबन इतनी ही लेंथ की अमाइनो एसिड चेन से मिलकर बनी हुई होती है, बट इन हीमोग्लोबिन दिस स्ट्रक्चर इज फोर टाइम्स, यानी चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके इस सिमिलैरिटी की वजह से हम जो है वो क्या करते हैं कि मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझा कर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि जिस तरह का मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह की हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होगी, लेकिन वो टेट्रामेरिक होगा, चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होगा, जबकि मायोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ें। अल्फा हेलिकल कंटेंट, जो मायोग्लोबिन है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो अल्फा हेलिक्स होगा, और ये अल्फा हेलिक्स एट स्ट्रेचेस के साथ होगा, यानी एट टाइम्स वो पॉलीपेप्टाइड चेन 153 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन एट टाइम्स बेंड करेगी। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एट टाइम्स बेंड हुई हुई है, और ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये जो एट बेंड्स हैं इनको नाम देंगे फ्रॉम ए टू एच, यानी पहला बेंड ए, फिर बी, सी, डी, इस तरह से करके आपने जो है वो उसको नाम दिया ए बी सी डी, इस तरह से आपने इन एट बेंड्स को नाम दिया। अब ये जो बेंड्स हैं एट स्ट्रेचेस होते हैं, एट टाइम्स बेंड करेगी, हमने ये बता दिया। नाउ ये जो एंड्स होंगे, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो प्रोलीन अमाइनो एसिड होता है, ये प्रोलीन अमाइनो एसिड जहाँ पे चेन में इंड्यूस किया जाता है या चेन में जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे या तो किंक प्रोड्यूस हो जाता है या चेन टर्मिनेट कर जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो प्रोलीन अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि प्रोलीन अमाइनो एसिड के पास जो फाइव मेंबर्ड रिंग होती है वो उस हेलिक्स के अंदर अक्यूमिलेट नहीं कर सकती, जिसके रिजल्ट में वो वहाँ पे किंक प्रोड्यूस कर देती है या टिल्ट प्रोड्यूस कर देती है। तो फिर प्रोलीन या तो टर्मिनेशन पे लगा हुआ होगा, या फिर आपके जो बेंड्स हैं ये बीटा बेंड्स के थ्रू आए होंगे या लूप्स के थ्रू आए हुए होंगे, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिकल या बीटा बेंड्स और लूप्स, ये स्टेबलाइज किए जाते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या सॉल्ट ब्रिजेस भी बोलते हैं। अभी हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके उसके मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, जिसमें हमने कहा कि 153 अमीनो एसिड्स चेन में लगे हुए होते हैं, और इस तरह से ये एट हेलिकल एट बेंड्स देता है, और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका, जबकि इसके इस बेंडिंग के दौरान जो बीच में स्पेस बचती है उसके अंदर हमारे पास हीम ग्रुप लगा हुआ होता है। ये हीम ग्रुप, ये देखें यहाँ पे ये चार नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है और दो प्लेनर ग्रुप दो प्लेनर बॉन्ड्स बना रहा है, वन विद द हिस्टिडिन रेजिड्यू ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अदर पोलर बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह पे लगा हुआ होगा। ये बात हम पहले भी पढ़ कर आए थे कि जो इंटीरियर सरफेस होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर, ये पूरा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है इसकी, वो अमाइनो एसिड्स जो एक दूसरे को फेस करेंगी, जो इसका इंटीरियर बनाएंगी, वो मिलकर बने हुए होंगे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के थ्रू, और ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, ठीक है। और जो आपके पोलर अमीनो एसिड्स होंगे वो हमारे पास सरफेसेस के ऊपर लगे हुए होंगे, और ये बॉन्ड बनाएंगे विद ईच अदर एंड विद द वाटर आल्सो। ये पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि आपके मायोग्लोबिन के इंटीरियर में नॉन पोलर अमीनो एसिड्स लगे हुए होंगे, ये हेल्ड टुगेदर होंगे बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ऑन द अदर हैंड the amino acids on the surface are the polar amino acids and they form the hydrogen bonds with each other and with the water molecule. अब हमने यहाँ पर two exceptions की बात की थी कि हमारे पास जो हैं वो दो polar bonds, दो planar bonds बनते हैं जिनमें से F8 and E7 है, which lie close to the heme iron where they function in oxygen binding. यहाँ पे हम दो की बात करेंगे, एक प्रॉक्सिमल हिस्टिडिन और एक डिस्टल हिस्टिडिन, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल हिस्टिडिन जो है ये हीम ग्रुप के साथ होती हैं, और ये बेसिकली आपकी क्या करती हैं, इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करती हैं। किस तरह से बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करती हैं हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी हम बात करें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हिस्टिडिन की। F7 और E8 F8 और E7 सॉरी
F8 जो है उसको हम प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन भी बोलते हैं, और ये डायरेक्टली अटैच हुई भी होती है विद द हीम ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। और जो हमारे पास E8 है या हम डिस्टल हिस्टिडीन बोलते हैं, F8 को प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन एंड E7 को हम डिस्टल हिस्टिडीन बोलते हैं। ये डिस्टल हिस्टिडीन जो है वो रोल प्ले करते हैं इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ हीम ग्रुप, क्या बाइंडिंग ऑफ हीम ग्रुप विद द आपका पॉलीपेप्टाइड पार्ट ऑफ द प्रोटीन एंड विद द ऑक्सीजन। द हीम ग्रुप ऑफ द मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल सिट्स इन द क्रेवाइस विच इज़ लाइंड विद द नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। यानी ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एक बीच में जो स्पेस बच जाती है उसके अंदर हीम ग्रुप जो है, ये जो बैंड्स बने हुए हैं इन बैंड्स के बीच में आपका जो हीम ग्रुप है वो आके प्लेस किया हुआ होता है। दो हमने पढ़े थे F8 एंड E7। जो F8 है वो प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन है, ये आयरन के साथ बाइंड करता है, जबकि जो डिस्टल हिस्टिडीन है E7 ये डायरेक्टली आपकी हीम ग्रुप के साथ अटैच नहीं करता, बल्कि इस ये क्या करता है उस प्लैनर दूसरे प्लैनर बॉन्ड ऑफ द आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। उस बाइंडेड ऑक्सीजन के साथ ये हिस्टिडीन डिस्टल हिस्टिडीन E7 जो है वो बाइंड करती है। द प्रोटीन और ग्लोबिन पोर्शन ऑफ द मायोग्लोबिन क्रिएट्स अ स्पेशल माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द हीम दैट परमिट्स द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोटीन या स्पार्ट है मायोग्लोबिन का, ये एक स्पेशल माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके रिजल्ट में आपकी जो ऑक्सीजन होगी वो बाइंड करेगी विद द हीमोग्लोबिन एंड द फिनोमेना विल बी नोन एज ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन। द साइमल्टेनियस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द फेरस आयन ये रेयरली अकर होता है। यानी जो आपका आयरन लगा हुआ है उसकी जो वैलेंसी है वो +2 से +3 में रेयरली जाती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन अभी तक हमने पढ़ लिया। हमने ये कहा था कि हमारे पास जो एज इट इज़ स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन का वो ही आपका हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द कैपिलरीज है। हीमोग्लोबिन की जो टाइप है जो एडल्ट्स के अंदर पाई जाती है वो हीमोग्लोबिन ए है, और हम फिलहाल उसी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो आपकी स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की टाइप पाई जाती है वो भी हम पढ़ेंगे आगे। हीमोग्लोबिन 4 जो है वो एडल्ट्स के अंदर पाई जाती है, मोस्ट कॉमन टाइप है हीमोग्लोबिन की, और इसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, यानी α1 α2 β1 β2 एंड दे ऑल द चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। ये हम देखेंगे। ईच चेन हैज़ द स्ट्रेचेज ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोफोबिक हीम बाइंडिंग पॉकेट सिमिलर टू दैट डिस्क्राइब्ड फॉर द मायोग्लोबिन। इन चारों पॉलीपेप्टाइड चेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मायोग्लोबिन का हम पढ़ कर आए हैं कि अल्फा हेलिकल के 8 स्ट्रेचेस बनेंगे, 8 बैंड्स होंगे, और उसके बीच में हमारे पास एक हीम पॉकेट लगी हुई होगी। दीज टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर कॉम्प्लेक्स दैन मायोग्लोबिन। ये बात तो जाहिर सी बात है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाएंगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले करता है। हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लंग तक ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करता है। फर्दर मोर द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई इंटरेक्शन विद एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। ये डिफरेंट किस्म के एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं तो फिर उसकी बाइंडिंग के रिजल्ट में हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन जो है वो ऑल्टर कर जाती है। ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसमें हमने कहा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर बनी हुई होती हैं। अगर हम सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसीडर करें तो ये एक मायोग्लोबिन थी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जैसा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वैसा ही हीमोग्लोबिन का, बट विद द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज द हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक हीम ग्रुप लगा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन एट अ टाइम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगेन इसमें भी उसी तरह से A to H सारे बैंड्स होंगे, F7 और
सॉरी F8 और E7, इस तरह से ये सारे प्रॉक्सिमल हिस्टिडिन एंड डिस्टल हिस्टिडिन, सब कुछ सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर सोलली बाय डिफ्यूजन ग्रेटली लिमिट्स द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो फिर इस तरह के इंडिविजुअल का साइज़ बहुत छोटा होना था, क्योंकि पूरे इंडिविजुअल को ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होनी थी, और डिफ्यूजन जो है वो बहुत स्लाइटली डिफ्यूजेबल होती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सर्कुलेटरी सिस्टम बना था, ताकि जो इंडिविजुअल्स जिनका साइज़ बड़ा होता है उनके हर टिश्यू तक या हर सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सके। इस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन जो है वो रिक्वायर्ड थी, ताकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सके, और इस तरह से ऐसे लंबे इंडिविजुअल या वो इंडिविजुअल्स जिनका साइज़ बड़ा होता है उनको ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जा सके। इस तरह से ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक जाता है, यानी इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। ये टेट्रामेरिक पर आपके टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये टेट्रामर्स जो हैं वो टू आइडेंटिकल डाइमर्स में बने हुए होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन दो डाइमर में लगी हुई होती है, अल्फा वन बीटा वन डाइमर एंड अल्फा टू बीटा टू डाइमर। ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा वन बीटा वन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा वन होगी दूसरी बीटा वन होगी, इसी तरह से अल्फा टू बीटा टू। ये एक स्ट्रक्चर आपका मोनोमर होगा और एक ये स्ट्रक्चर मोनोमर होगा। ये एक मोनोमर के अंदर दोनों जो आपके डाइमर होंगे वो भी कनेक्टेड होंगे, और इसी तरह से दोनों डाइमर भी कनेक्टेड होंगे। अच्छा जी, द टू ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स विद इन ईच डाइमर आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। जो एक डाइमर के बीच में स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे। दीज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आर द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन द अल्फा वन एंड बीटा वन सब यूनिट। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपके दो डाइमर के बीच में बॉन्ड होगा ये वीक बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है या फिर आपका वीक हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। The weak interactions between the dimers allow them to move with respect to one another. This movement results in two dimers occupy different relative positions in deoxyhemoglobin as compared with the hemoglobin. अब ये जो दो dimers की weak interaction है, ये weak interaction क्यों है? इन दो dimers के बीच में weak interaction इसलिए है कि oxygenation and deoxygenation form में different किस्म की जो relative position है इन दोनों dimers की, वो shape gain की हुई होती है। ऑक्सीजनेशन फॉर्म एंड डी ऑक्सीजनेशन फॉर्म में इन डाइमर्स ने डिफरेंट किस्म की शेप जो है वो गेन की हुई होती है। ये वीक बॉन्ड्स इसीलिए हैं क्योंकि अभी हम दो फॉर्म्स पढ़ेंगे, टाइट फॉर्म एंड रिलैक्स्ड फॉर्म। टाइट फॉर्म में बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये आपकी डी ऑक्सी फॉर्म होती है जब आपकी डाइमर्स ये हीम के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई भी होती। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास रिलैक्स्ड फॉर्म है जिसमें इन दोनों डाइमर्स के बीच में नंबर ऑफ इंटरेक्शंस कम होंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीक बॉन्ड्स जो हैं वो उनका नंबर ज़्यादा है जबकि यहाँ पे कम है। ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएंगे, कुछ जो हैं वो रहेंगे क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन तो रखना ही है ना। तो ये आपकी रिलैक्स्ड फॉर्म होती है और ये आपकी ऑक्सी फॉर्म होती है, यानी जब ऑक्सीजन आपके हीम ग्रुप के साथ बाइंड कर जाती है तो ये हमारी आर फॉर्म होती है। यहाँ पे अगेन हमने दो फॉर्म्स बताई हुई हैं, टी फॉर्म एंड आर फॉर्म। टी फॉर्म हम डी ऑक्सी फॉर्म को कहते हैं जब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं लगी हुई होती, इस टाइम पे टाइट स्ट्रक्चर होता है, टेंस स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कि ये इंटरेक्शन बॉन्ड्स कितने ज़्यादा हैं, टाइट स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, इन टी फॉर्म टू अल्फा बीटा डाइमर्स इंटरैक्ट थ्रू द नेटवर्क ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट कंस्ट्रेन द मूवमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। द टी कन्फर्मेशन इज द लो ऑक्सीजन अफिनिटी फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन। जब टी फॉर्म होगी तो ऑक्सीजन की अफिनिटी जो होगी वो क्या होगी, लो ऑक्सीजन अफिनिटी। रिलैक्सड फॉर्म बाइंडिंग फॉर्म यानी ऑक्सी फॉर्म होती है ऑफ द हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तो इसके बाइंडिंग के रिजल्ट में ये जो पूरा स्ट्रक्चर था हीमोग्लोबिन का, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं और वो चेंजेस अलाउ करती हैं मूवमेंट को। इसको हम रिलैक्स्ड फॉर्म कहते हैं या आर फॉर्म कहते हैं, एंड दिस फॉर्म इज़ हाई ऑक्सीजन अफिनिटी फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका, हमने क्या कहा था कि दोनों डाइमर्स जो हैं अल्फ़ा वन बीटा वन, ये एक डाइमर हो जाएगा, अल्फ़ा टू बीटा टू ये एक डाइमर हो जाएगा, और ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, ये टाइट फॉर्म है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द टू डाइमर्स ज़्यादा होते हैं। जबकि रिलैक्स्ड फॉर्म क्या होती है, जब ऑक्सीजन बाइंड करती है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देती है, और जो आपका आयरन है वो एक प्लेनर में चला जाता है, एक प्लेन के अंदर चला जाता है, यानी थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इस तरह से आपके ये जो दोनों डाइमर्स हैं ये थोड़ी सी 15 डिग्री तक जो है वो ऑल्टरेशन शो करते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कैन बाइंड ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हीम ग्रुप है, और ये एक हीम ग्रुप एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जबकि हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास चार हीम मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को एट अ टाइम बाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन ऑल द मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन वेरी बिटवीन 0 to 100%। यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है कि जब आपके सारे के सारे हीम ग्रुप्स या कितने हीम ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ बाइंड किए हैं, दिस इज़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ये वो कंडीशन हो सकती है जिसमें आपका कोई भी हीम ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हुआ हुआ होगा, तो दैट विल बी द 0 degree सेचुरेशन। और एक वो होगी जिसमें आपकी 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगी। पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री वो प्रोसेस है या वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन की लेवल इन द आर्टीरियल ब्लड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नॉन इन्वेसिव डिवाइस है और ये इनडायरेक्ट मेथड है टू मेजर द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन लाइट एब्जॉर्प्शन बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कि जब ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से डिसोसिएट कर जाती है, यानी किस तरह से हीम ग्रुप को छोड़कर टिश्यू के अंदर चली जाती है, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन। अ प्लॉट ऑफ वाई मेजर्ड एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो आपको कर्व दिखाया गया ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है कि किस पार्शियल प्रेशर के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ के टिश्यूज के अंदर चली जाएगी। द कर्व्स फॉर द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन शो डिफरेंट वेरियस डिफरेंट डिफरेंसेस। ये जो आपको सबसे ऊपर वाली कर्व दिखाई गई है दिस इज़ फॉर द मायोग्लोबिन, ये जो है वो आपकी मायोग्लोबिन को की पार्शियल या ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शो करी है, जबकि ये वाली जो कर्व है ये आपकी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को शो करी है। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि मायोग्लोबिन हैज़ हायर ऑक्सीजन एफिनिटी एट ऑल द पार्शियल प्रेशर वैल्यूज दैट डज नॉट हीमोग्लोबिन। ये बता रही है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये या मायोग्लोबिन जो है वो हर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर सकती है, जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास उसकी जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो कम है हीमोग्लोबिन की। अब यहाँ पे हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू अचीव हाफ सेचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1 millimeter फॉर मायोग्लोबिन एंड 26 millimeter फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पे हाफ नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो बाइंड कर जाएंगे विद द ऑक्सीजन, ये 1 millimeter ऑफ मर्करी है मायोग्लोबिन के लिए, यानी इतने से पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाएगी। ऑन द अदर हैंड 26 millimeter ऑफ मर्करी रिक्वायर्ड है फॉर हाफ सेचुरेशन फॉर हीमोग्लोबिन। तो फिर हमें पता चल गया कि हमारे पास ऑक्सीजन की अफिनिटी जो है वो किसके लिए ज़्यादा है, मायोग्लोबिन के लिए ज़्यादा है एट ऑल द पार्शियल प्रेशर्स। ये देखें 1 millimeter पर भी हाफ जो है वो बाइंड कर गई है। हायर ऑक्सीजन अफिनिटी द लोअर द P50। जितनी ज़्यादा हायर ऑक्सीजन अफिनिटी होगी उतनी ही लो P50 रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उतने ही कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर या उतने ही डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर आपकी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाएगी विद द हीम ग्रुप मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन इज हाइपरबोलिक। ये अभी हम देख कर आए थे कि ये हमारे पास कौन सी शेप है, हाइपरबोलिक शेप है। इसमें क्या है कि हमारे पास मायोग्लोबिन रिवर्सिबली बाइंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन एग्जिस्ट इन सिंपल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि एक इक्विलिब्रियम के अंदर आपकी जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सी मायोग्लोबिन और
डीऑक्सीमायोग्लोबिन के फॉर्म में जो है वो रह सकती है। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द राइट और टू द लेफ्ट एज ऑक्सीजन इज एडेड और टू द और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। यानी आपका इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी, अगर आप ऑक्सीजन जो है राइट की तरफ मूव करेगा जब आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेगा जब आप ऑक्सीजन जो है वो सिस्टम से रिमूव करेंगे। मायोग्लोबिन की डिज़ाइन इस तरह से है कि ये जो है वो बाइंड ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है बाय द हीमोग्लोबिन एट द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द मसल। यानी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है एट द लो पार्शियल प्रेशर इन द मसल्स, ये रिलीज्ड ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बाइंड कर लेती है और इस तरह से ऑक्सी मायोग्लोबिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। द मायोग्लोबिन इन टर्न रिलीजेस द ऑक्सीजन विद इन द मसल सेल इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डिमांड। और फिर ये ऑक्सी मायोग्लोबिन उस टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करती है जब मसल के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। जो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है वो सिग्मोइडल शेप है, ठीक है। और द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर फोर सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मीन्स दैट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट वन हीम ग्रुप इंक्रीजेज द ऑक्सीजन अफिनिटी ऑफ रिमेनिंग हीम ग्रुप्स इन द सेम हीमोग्लोबिन टेट्रामर। यानी ये इस बात का क्या है कि हीम हीम इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, कि सबसे पहली ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद द वन हीम ग्रुप डिफ़िकल्ट होती है, उसके बाद जब एक दफ़ा ऑक्सीजन इस टेट्रामर के अंदर एक के साथ बाइंड कर जाएगी तो एक की बाइंडिंग के रिजल्ट में अफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाकी तीन की। हीमोग्लोबिन के अंदर हम चार पढ़कर आए थे, कि हमारे पास चार ग्रुप्स होते हैं, चार हीम ग्रुप होते हैं और एट ए टाइम फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इन चारों में से एक की बाइंडिंग मुश्किल है, लेकिन जब एक बाइंड कर जाएगी तो अफिनिटी फॉर अदर थ्री हीम ग्रुप्स इन द टेट्रामर इंक्रीज हो जाती है। इसको हम हीम हीम इंटरेक्शन बोलते हैं और ये जो है वो आपकी अफिनिटी जो है वो बढ़ा देती है फॉर अदर हीम ग्रुप्स इन द टेट्रामर। ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।